झारखंड समाचार। झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन पर सरकार का लाठीचार्ज, इस पर माओवादी का कहना है सब हमारे साथ आ जाओ। आज से लगभग 3 साल पहले रघुवर दास की पूर्ववर्ती सरकार में अस्थाई नौकरी पाए झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों के लगभग 2500 से ज्यादा सहायक पुलिस कर्मियों 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले नौकरी को अस्थाई करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वे बीते एक सप्ताह से राजधानी रांची में आंदोलनरत है, जबकि माओवादी उनके घर पर पोस्टर चिपका कर उन्हें नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। नौकरी अस्थाई करने की मांग को लेकर सहायक पुलिस कर्मी मोराबादी मैदान में खुले आकाश तले आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सरकार से इन लोगों की इतनी ही गुहार है कि उनकी नौकरियों को अस्थाई कर दिया जाए। ये झारखंड के सहायक पुलिस कर्मी है जिन्हें 3 साल पहले 2017 में रघुवर दास की सरकार ने अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों के ग्रामीण इलाकों के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस बल में शामिल किया था। इसमें नक्सली संगठन से वापस आए युवा भी शामिल है। हथियार चलाने के अलावा इन्हें सब कुछ सिखाया गया, दंगा से लेकर मेला तक, कोविड से लेकर ट्रैफिक संभाले तक में ड्यूटी लगाई गई। कहा गया था कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा 3 साल बाद उनकी नौकरी अस्थाई कर दी जाएगी। इसी मांग को लेकर अब जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार भी इन्हें चेतावनी दे रही है कि मांगों को छोड़ो और ड्यूटी पर लौटो, अगर नहीं लौटे तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। इनके परिजनों पर दबाव डाला जा रहा है कि अपने बेटे बेटियों को वापस बुला ले, नहीं तो ये इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से संगठन बनाकर ये सहायक पुलिसकर्मी बिना किसी संगठन के बीते 11 तारीख से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दुमका और बेरमो उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कदम आगे। झारखंड के दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2-3 दिनों का दुमका का चुनावी दौरा कर वहां की जनता के सामने चारा डाल जाए। करीब 135 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण कर आए हैं। यात्रा के क्रम में घरेलू विवाद पर भी पानी डाला। दुमका हेमंत सोरेन का गृह जिला है और यहां से छोटे भाई बसंत सोरेन को मैदान में उतारने की तैयारी है। बेरमो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव अपनी टीम के साथ इसी सप्ताह दौरा कर आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह की मौत के बाद यह सीट खाली हुई है। यहां से भी राजेंद्र सिंह के पुत्र को लड़ाने की तैयारी है। महागठबंधन की ओर से दोनों सीटों को लेकर तस्वीर साफ है, मगर भाजपा गठबंधन अभी तक खामोश है। हेमंत सोरेन के दौरे के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी 3 दिवसीय दौरे पर इसी माह के अंत में दुमका जाने वाले हैं। 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे राज्य के स्कूल, JEPC के प्रस्ताव पर सरकार ने नहीं लिया निर्णय। 21 सितंबर से राज्य के स्कूल नहीं खुलेंगे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब किसी भी स्कूल के 9वीं से 12वीं तक कक्षा के छात्रों को सोमवार से स्कूल नहीं जाना होगा। एक सवाल के जवाब में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि सोमवार से कोई स्कूल नहीं खुलेगा। 30 सितंबर तक स्कूल के बंद रखने का निर्णय अब भी यथावत है। इस बीच सरकार की तरफ से मिली सूचना में कहा गया है कि स्कूल को खोलने से पहले कोरोना से उपजी स्थितियों की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद स्कूलों या कोचिंग संस्थानों के खोलने पर निर्णय होगा। गौरतलब है कि पूर्व में सरकार के फैसला लिया था कि सूबे के सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। बाद में गृह मंत्रालय के सुझावों के आधार पर राज्य शिक्षा परियोजना ने मैट्रिक और इंटर के बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए 21 सितंबर से स्कूल खोलने के प्रस्ताव बनाया था। पीएम केयर्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर 52 लाख की ठगी करने वाले 2 लोगों को झारखंड पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। पीएम केयर के नाम पर लोगों को 52 लाख रुपए का चूना लगाने 2 लोगों बिहार से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस ने बिहार से जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम रोशन कुमार रोहित राज है। उनके पास से 2 लैपटॉप के अलावा 8 ATM, चेकबुक, बैंक के पासबुक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पीएम केयर्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से रुपये की उगाही कर रहे हैं। इसके बाद एक टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की गई। जांच के दौरान उसके तार बिहार से जुड़े मिले। हजारीबाग की पुलिस ने बिहार से
दो लोगों को घर दबोचा है। देवघर नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार, पूर्वी भारत का सबसे खूबसूरत भवन। झारखंड के देवघर जिला का नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार है। यह मास एंड वायर का डिजाइन और कंसल्टेंसी है। यह पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत भव्य एवं आकर्षक नगर निगम भवन है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। डिजाइन में देवघर स्थित बाबा मंदिर की भी छाप दिखती है। खाद्य सुरक्षा योजना में 67,846 को मिलेगा लाभ। देवघर झारखंड राज्य मंत्रिमंडल से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलने के बाद जिला में भी योजना का लाभ दिलाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिला दीप साल लखालको ने बताया कि योजना के तहत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किलो की दर से सभी तरह के खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे जो झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवर होते हैं। अब राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से 32,000 लोगों को मिलेगा लाभ। बैठक में मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 15 नवंबर से शुरू की जा रही झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तर्ज पर ही झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। 27,263 लाभुकों को इस योजना के तहत जिला में आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त है। प्रमंडलवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सुपुर्द किया गया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप रिक्त पदों के लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर योजना से आच्छादित करने की बात कही है। झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के प्रभारी निदेशक को किया तलब की गंभीर टिप्पणी। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए बनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रभारी निदेशक को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 1 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को कोविड-19 से निपटने की योजना को लचर व्यवस्था पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया था। इसके साथ ही इन याचिकाओं को टैग कर दिया गया। हाईकोर्ट में जो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है उनमें से कोरोना वायरस के संक्रमण के बेकाबू होने के लिए रिम्स की लचर व्यवस्था और उसके कुप्रबंधन की जिम्मेदारी ठहराया गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स से पूछा कि रिम्स में चिकित्सा पदाधिकारियों, नर्सिंग और पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं। रघुवर दास बोले, बिहार में सरकार बनते ही महागठबंधन बंद कर देगा एनडीए की सभी योजनाएं, ऐसा झारखंड में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रघुवर दास ने कहा है कि एनडीए शासन के दौरान पिछले 15 वर्ष में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिहार के विकास से संबंधित कई योजनाएं चला रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, गरीब को घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो या आयुष्मान भारत, ये सभी योजनाएं गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदली तो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, ऐसा झारखंड में हो चुका है। बीजेपी शासनकाल में गरीबी के लिए शुरू की गई योजनाएं कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सरकार द्वारा बंद कर दी गई। आज झारखंड में किसान, गरीब, महिला सभी परेशान हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष से आगे आगे बीजेपी, डिजिटल कैंपेन के साथ बढ़ती ही जा रहा है जनसंपर्क का दौर। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बिहार दौरे के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को सक्रिय बना दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कार्यक्रम में एनडीए के केंद्र और राज्य सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। रघुवर चकिया जिले से पार्टी से जनसभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिलचस्प है कि तमाम पार्टियां खासतौर पर आरजेडी अभी तक वर्चुअल अभियान भी नहीं शुरू कर पाई है। अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी बोले, जन्मदिन के तोहफे के तौर पर मैं चाहता हूँ कि लोग मास्क पहने। गुरुवार को अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया,
कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे जन्मदिन के तोहफे पर क्या चाहिए। मैं बताता हूँ कि मुझे अभी क्या चाहिए। मास्क पहने रहिए और सही ढंग से पहने। उन्होंने लिखा, दो गज की दूरी का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, अपने इम्यूनिटी सुधारें। अमेरिका रविवार से टिकटॉक और वी चैट के डाउनलोड पर लगाएगा प्रतिबंध। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिका रविवार से चीनी स्वामित्व वाले ऐप्स टिकटॉक और वी चैट के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा देगा। कंपनियों को अमेरिका में इन ऐप्स को होस्ट करने की मनाही होगी। राइटर्स की खबर के मुताबिक रविवार से पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो डाउनलोड पर लगा प्रतिबंध को रद्द भी कर सकते हैं। भारत की कोविड 19 मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य कोविड 19 से होने वाली मौत की दर मौजूदा 1.64% से 1% नीचे लाने का है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भारत की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, जबकि भारत में कोविड 19 मरीजों का रिकवरी रेट 78 से 79% है, जो कि भारत में सर्वाधिक में से एक है। मंत्रियों व सांसदों के वेतन व भत्तों में कटौती से संबंधित बिल राज्यसभा से हुई पारित। महामंत्री में मंत्रियों व सांसदों के वेतन व भत्तों में कटौती से संबंधित दो विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा में पारित हुए। सांसदों संबंधित विधेयक के जरिए उनके वेतन में एक साल के लिए 30% कटौती होगी। अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उन्हें वेतन में कटौती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार हो। शुक्रवार को गूगल द्वारा प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही प्ले स्टोर पर वापस लौट आया। गूगल ने गैम्बलिंग पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था, जिसके बाद पेटीएम ने यूजर से कहा था, जल्द ही प्ले स्टोर पर लौटेगा, आपका सारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। खबर है खेल जगत से। आज शाम 7:30 बजे से यूएई में आईपीएल का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। इसमें 8 टीम हिस्सा लेगी और कुल 60 मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी लतीश मलिंगा हैं, जो कि मुंबई इंडियंस से अपना नाम वापस ले लिए हैं, और सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। आईपीएल का रोजाना अपडेट पाएं इस चैनल के माध्यम से। पीएम उज्ज्वला योजना, मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन पाने का आखिरी मौका, 30 सितंबर से पहले करें अप्लाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। इसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। इस योजना की अवधि को केंद्र ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल से सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। 2016 से इस स्कीम को 3 साल के लिए लागू किया गया था, जिसकी समय सीमा अप्रैल में ही खत्म हो गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना का खास फोकस महिलाओं पर है। आयुष्मान भारत योजना से हुआ 2.2 लाख कोरोना टेस्ट, 29,000 को मिला मुफ्त इलाज। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा कीमत गरीब वर्ग को चुकाना पड़ रही है। 7 काम धंधे ठप होने के बाद किसी पर बीमारी का हमला हो गया तो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। ऐसे में सरकारी योजनाएं गरीब का सहारा बनी है। ऐसी एक योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसने गरीबों का मुफ्त इलाज करने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत लगभग 29,000 गरीबों को कोविड 19 का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। 2.2 लाख लाभार्थियों का मुफ्त में कोविड 19 टेस्ट कराया गया है। कोरोना मरीज में संपर्क और परामर्श के लिए शुरू की गई विभिन्न प्रयासों के तहत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से 95 लाख से अधिक कॉल हैंडल की गई। बता दें कि NH ही आयुष्मान भारत योजना की क्रियान्वयन करती है। खबर है रेलवे से। 756 ट्रेनों के टाइम टेबल से लेकर परिचालन में बदलाव, कम दूरी की 121 ट्रेनें भी होगी बंद। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई ट्रेनों को नई रूप से पटरी पर लाने के लिए रेलवे ने जीरो बेड्स टाइम टेबल बनाने का काम किया है। रेलवे ने ट्रेनों में बड़े बदलाव की तैयारी मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लगने के साथ ही शुरू कर दी थी। रेलवे बोर्ड की कोचिंग डायरेक्टर अब तक 756 ट्रेनों में बदलाव की 56 आदेश जारी कर चुके हैं। इनमें 214 ट्रेनों के कुछ स्टेशनों के बीच रद्द किया गया है, तो 70 ट्रेनों को अब पटरी पर नहीं चलाया जाएगा। रेल सफर होगा महंगा, एयरपोर्ट की तरह रेलवे वसूलेगा यूजर चार्ज। रेल यात्रियों को अब सफर के लिए टिकट पर ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ सकते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे की अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। HDFC बैंक में आसानी से खुलेगा बचत खाता, घर बैठे ही ब्रांच पहुंच जाएगी रिक्वेस्ट।
बता दें कि बैंक अकाउंट ओपन कराने के अब तक आपको खुद से बैंक ब्रांच जाना होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी बॉडी की परमिशन के बाद बैंकिंग सिस्टम में महज एक वीडियो कॉल से ही घर बैठे आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। रोजगार देने में महिला मजदूरों को दे प्राथमिकता। खबर है झारखंड के पाकुड़ जिले से। सदर प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सफीब आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विकास योजनाओं को पंचायतवार समीक्षा की गई। वीडियो ने मनरेगा के 25 से कम योजना संचालित होने वाले 10 पंचायत सचिव को रोजगार सेवक को सौपोज किया। वीडियो ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने महिला मजदूरों को विशेष प्राथमिकता दे, 30 सितंबर तक लंबित प्रधानमंत्री आवास को पूरा करे। वीडियो ने सभी पंचायत कर्मियों के सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 25 योजनाएं संचालित होनी चाहिए। सभी पंचायत में प्रत्येक दिन 200 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए। एटीएम फ्रॉड रोकने एसबीआई ने बदले नियम। कल से ही 10,000 रुपए से ज्यादा की नकदी एटीएम से निकालने पर मिल रही है ओटीपी। लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में राशि निकालने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस तहत शुक्रवार से एटीएम में 24 घंटे ओटीपी बेस कैश निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी एसबीआई के ग्राहकों को बैंक के एटीएम से 10,000 या इससे ज्यादा रुपए निकालने में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी मिलेगा। यह ओटीपी पिन के साथ एंटर करनी होगी, फिर रुपए निकलेंगे। एसबीआई के स्थानीय डीएम सुजीत कुमार के अनुसार इस बदलाव में एटीएम कांड से डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर ग्राहकों को खाते से रुपए उड़ाने की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पहले रात 8 बजे से 8 बजे सुबह तक 10,000 या उससे ज्यादा निकालने पर यह सुविधा थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।